कलापीपल पुलिस को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस के दो जवानों ने चोरों का पीछा किया और सहारा स्कूल के सामने रोकने को कहा तो उनके पास पहुंचते ही उन्होंने पुलिस जवान जितेंद्र पवैया पर लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार किया जिससे वे घटनास्थल पर ही घायल हो गया। साथ ही जवान वेद प्रकाश परमार ने दूसरे की गाड़ी मांगकर उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलापीपल लाया गया क्योंकि बदमाश पुलिस की गाड़ी की चाबी अपने साथ ले गए। जैसे ही घटना की जानकारी थाने पर लगी तो लोगों के सहयोग से भैरावल के जंगल से दोनों बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। मामले की खबर लगते ही सुजालपुर SDOP श्री द्विवेदी कलापीपल हॉस्पिटल पहुंचे। कलापीपल से संवाददाता शिव प्रसाद अकेला की रिपोर्ट। पुलिस पर हमला किस कारण से किया गया है? ये अभी कर्मचारी कॉलोनी में एक्स आर्मी मैन के घर पे चोरी हुई थी दिन में, जिस पे से अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है और यहाँ आसपास के जो CCTV कैमरे लगे हैं तो उस कैमरों में कहीं ना कहीं ये स्कूटी गाड़ी और इस तरीके के संदिग्ध व्यक्ति मिले थे जिनकी कर्मचारी सरगर्मी से तलाश पतारसी कर रहे थे। इसी दौरान सूचना मिली कि एक दो जो व्यक्ति हैं ये सुजालपुर साइड से इधर आ रहे हैं, कलापीपल आ रहे हैं। उसी पे इन दोनों जवानों ने उनको रोकने का प्रयास किया, दौड़ के पहुंच के थाने के बाहर। तो इसमें से बैठा हुआ जो पवन था, पवन ने अपने पास जो ताला तोड़ने का और जो कुंदा तोड़ने का एक रॉड होती है, टॉमी कहते हैं जिसको, वो निकाल के उसके सिर पे मार दिया जिसकी वजह से वो वहीं तत्काल घायल हो गया। और उसके साथ जो दूसरा जवान था वेद प्रकाश, ये दोनों फिर से पीछा किए गाड़ियों से और गाड़ियों से पीछा करते रहे लगातार, चिल्लाते रहे जनता को। बहरावल के पास उसका सुभाष लेवे का कुआं है, उसी जंगलों में जो है जनता के लोगों की मदद से इनको पकड़ा, जनता ने पकड़ा इनको दोनों को और पकड़ के लाए हैं और दोनों पकड़े गए हैं। जवान की स्थिति ठीक है, जवान की रिपोर्ट पे से थाना कलापीपल में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई की जा रही है। और चूंकि इनको धरने पकड़ने पर इनको भी चोटें आई हैं, मारपीट इनके साथ भी, धर पकड़ने पर इन्होंने भी छुड़ाने का पूरा प्रयास किया, अपराधी हैं इनके खिलाफ़ आस्था थाने में दो दो गंभीर आठ अपराध हैं दोनों के खिलाफ, आठ अपराध हैं अभी, ऐसा इन्होंने ही बताया है, पवन और अमित ने ही बताया कि मेरे खिलाफ़ आठ मुकदमे हैं और चोरी की नीयत से ही आते जाते थे ये, और उसी उसमें जो है पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पर वर्तमान में अभी कलापीपल थाने में इनके खिलाफ 307, 353, 333, 334 की अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्रवाई की जा रही है।